जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो यूपीएससी 2021 का जो पेपर रहा है उसमें काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर लिया है, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसी के साथ साथ इकोनॉमी हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट जो है हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में मैं हिस्ट्री को कवर करने वाला हूँ, और अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो मैं एंशियंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको ऑलरेडी जो शशांक सर है उन्होंने कवर कर लिया है और वो वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं एंशियंट हिस्ट्री, जो मैं टफ कैटेगरी में उसको डालूंगा, टफ क्वेश्चंस, मतलब एक काफ़ी सिंपल आया था लेकिन बाकी दो जो क्वेश्चन है वो थोड़ी टफ कैटेगरी में देखने को मिले थे। देन मॉडर्न हिस्ट्री अगर देखा जाए वो भी मॉडरेट टू टफ यही कैटेगरी में देखने को मिला है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम एनालिसिस करेंगे, प्लस कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी ने क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, और आगे हमारा हिस्ट्री को लेकर क्या अप्रोच रहना चाहिए 2022 के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो काफी प्रोडक्टिव वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें एंशियंट हिस्ट्री से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट By building series of dams and channelizing water into connected reservoir। मतलब यहाँ पर basically बोला क्या जा रहा है, water harvesting जो है या फिर जो dams है या फिर जो water को channelize करना है, reservoirs है, इनके लिए कौन से city famous है, ancient town famous है। देखिए यहाँ पर जो MM Academy का जो ancient history का lecture है उसमें important हरप्पन sites और उनके जो significance है पूरा table के साथ मैंने आपको explain किया। मतलब नॉर्मली मैंने आपको सारी चीज़ें जो है हरप्पन साइट्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने देखी ही थी, उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको एक पूरा का पूरा सिग्निफिकेंस के रूप में एक टेबल बनाकर दे दिया था, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जब भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो उससे पहले अगर आप ये टेबल रिवाइज कर लोगे रिविजन को भी आसानी जाएगी और फटाफट उसमें से क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। और हुआ वही जो मैंने कहा था, यहाँ पर आपको उसी में से अगर हम फोर्ट देखते हैं, जब मैंने आपको धोलावीरा जो गुजरात में है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसे मैंने आपको बताया था, लार्ज वाटर रिजर्वायर, उसी के साथ यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, डैम्स, ये सारी चीज़ें जो है वो धोलावीरा में हमें देखने को मिलती है, और इसका जवाब है वो भी हमें धोलावीरा देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो वीडियोस है उनका यही फायदा होता है, क्या है, किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो सीधा धोलावीरा में वाटर हार्नेसिंग, ये एक सेंटेंस में दिया हुआ होता है, हमारे दिमाग से निकल जाता है, छूट जाता है, लेकिन जब हम वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हाईलाइट किया जाता है, उसको ईजी वे में आपके सामने प्लेस किया जाता है जिससे कि आपको चीज़ें मिल जाए। वीडियो बनाते किससे हैं, वीडियो जो बनाए जाते हैं वो भी कोई ऐसा नहीं है कि खुद में कुछ बहुत ही ज़्यादा एनलाइटनमेंट हो गई है एंड वीडियोस जो बना लिया, वीडियोस भी जो बनाए जाते हैं सभी के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं सभी के द्वारा, वो कोई ना कोई रेफरेंस किताब से ही बनाए जाते हैं। तो बेसिकली पढ़ाया जा रहा है किताब में जो लिखा है वही, लेकिन यहाँ पर किताब से बेटर अप्रोच आपको यहाँ पर मिलता है क्योंकि आपको ईजी जाता है पढ़ने में, याद रखने में, रिवाइज करने में। तो खैर यहाँ पर धोलावीरा ये जो है ये मैं एकदम ईजी कैटेगरी में क्वेश्चन को डालूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले एमएम एकेडमी ऐप जो है, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस सिर्फ यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री का ही नहीं लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री बोलिए, पॉलिटी बोलिए, इकोनॉमी बोलिए, मतलब मोर देन मैं बोल सकता हूँ कि 60-70% क्वेश्चन जो है वो एमएम एकेडमी ऐप से देखने को मिले हैं। और अगर आप एमएम एकेडमी ऐप के लेक्चर सही तरीके से फॉलो करते हो, रिलीजियसली अगर आपने सही तरीके से पढ़े हैं तो आप इजीली जो कट ऑफ है वो क्लियर कर लोगे। तो यहाँ पर डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए गए हैं, पॉलिटी बोलिए, इंडिया एयरबुक बोलिए, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, मतलब सभी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, और खासकर ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ओरिएंटेड है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स में आपको फायदा मिलेगा, मेंस में भी फायदा मिलेगा। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, यहाँ पर डेमो लेक्चर जो है वो भी आप देख सकते हो, डेमो लेक्चर्स जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाएंगे, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ से पढ़ना है एंड देन उसके बाद कैसे वीडियोस जो है वो दिए गए, क्वालिटी कैसी है। प्रोफाइल में जाइए, आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरीके की विंडो ओपन होगी, यहाँ पर प्रोफाइल में जाओगे तो आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे और इतने कम रेट में, इतने कम रेट्स है कि आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब इतने कम प्राइस में इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल चैलेंज है। प्लस अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हो तो उसमें आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है, पर्सनल गाइडेंस, इतने कम प्राइस में पर्सनल गाइडेंस, यहाँ पर आपको मैं आपका टाइम टेबल बना के दूंगा, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, वो मैं आपको दूंगा। तो ये एक यूनिक फीचर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्लान लीजिए एंड कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं इसको टफ कैटेगरी में जो है वो डालूंगा इस क्वेश्चन को।
वो इसीलिए कि क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए थे वो थोड़े ट्रिकी और थोड़े टफ थे। मतलब आपको यहाँ पर माइन्यूट स्टडी की जरूरत पड़ रही थी। अब कैसे माइन्यूट स्टडी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, जो गुप्ता एम्पायर है उसके डिक्लाइन के बाद, एंड जो हर्षवर्धन है उसके राइज के पहले, यहाँ पर अंटिल बोला गया है। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है, गुप्ता एम्पायर जो है उसके डिक्लाइन के बाद, एंड जो हर्षवर्धन उसके बाद जो बड़ा साम्राज्य आया है उसके पहले, जो यहाँ पर बीच में हमें जितने भी किंगडम्स देखने को मिल रहे थे, जो पावर होल्ड कर रहे थे, वो भी नदर इंडिया में, उनके बारे में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा सही है ये आपको बताना है। अब देखिए, यहाँ पर गुप्ताज ऑफ मगध दिया गया है, यहाँ पर परामराज ऑफ मालवा दिया गया है, यहाँ पर पुष्यभूति ऑफ थानेसर दिया गया है, यादवास ऑफ देवगिरी दिया गया है, यादवास ऑफ देवगिरी, एंड यहाँ पर जो मैत्रकाज है वल्लभी के, वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब इसमें से बोला गया है कि कौन से हमें देखने को मिलते हैं। अभी देखिए, कैसे आप इजीली इसका जवाब दे सकते थे, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लिया गया है MM Academy एंशियंट हिस्ट्री लेक्चर्स का। इसमें जब मैंने आपको डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर पढ़ाया, उसके बाद का जो लेक्चर है डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर के बाद, उसमें ये मैप के थ्रू मैंने आपको चीज़ें बताई। वो वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई, लेकिन वो सब टेक्स्ट बताने के बजाय मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर जो मैप मैंने आपको बताया था उसी का लेकर आ गया। अब देखिए, कितना ईजिली आप यहाँ पर जवाब दे सकते थे, लॉजिक भी कैसे लगा सकते हो अगर आपको जवाब नहीं पता है। सबसे पहले तो गुप्ताज ऑफ मगध, देखिए गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया है, डिक्लाइन हो गया है, क्या पूरी तरीके से गुप्ता नष्ट हो जाता है? नहीं, वहां पर थोड़ा बहुत तो हमें उसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। इससे आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हो कि हाँ यार, ये जो ऑप्शन है वो सही होगा। और अगर आपने लेक्चर देखे हैं फिर तो आप यहाँ पर लेट गुप्ता जो है वो देख सकते हो। यहाँ पर मगध, हम सभी को पता है यहाँ पर मगध हमें देखने को मिलता था, है ना? तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, लेट गुप्ता जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से सीधे तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं हाँ, गुप्ता जो है वो सही है। अब यहाँ पर अगर आप ये सही निकाल लेते हो तो ये दो ऑप्शन को आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब आपके 50% चांसेस है कि भाई अब आप यहाँ पर सही जवाब जो है वो दोगे, लेकिन 50% ये भी चांसेस है कि आप गलत दोगे, और 90% एस्पिरेंट जो है ऐसे सिनारियो में गलत जवाब दे देते हैं। लेकिन सही जवाब के लिए लॉजिक कैसा लगाया जाए। देन यहाँ पर हमें दूसरे जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखिए, मैप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वल्लभी हमें देखने को मिलता है, वहां पर आते हैं मैत्रिकाज, है ना, जो मैत्रकाज है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें मैत्रकाज जो है वल्लभी ये देखने को मिलता है। मतलब सीधा सीधा ये जवाब जो है हमें सही देखने को मिलता है। अब ये अगर सही है तो 6 कहाँ पर है इन दोनों में से, इसमें है, तो बी सही जवाब हमें देखने को मिल जाता है। सीधा सीधा आपको जवाब मिल जाएगा, है ना, सीधे अगर आपने लेक्चर्स यहाँ पर फॉलो किए हैं सही तरीके से, नदन साइड में हमसे पूछा गया है। देन यहाँ पर पुष्यभूति जो है थानेसर के, ये यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पुष्यभूति है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे, सेकंड देखते हैं जो परामराज बोला गया है मालवा का। अब मालवा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ये देखिए आप, यहाँ पर मालवा है। तो मालवा में कहीं भी हमें परामराज जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर इसको जो है वो गलत बता सकते हैं। और अगर ये गलत है तो भी आप इजीली जो है इसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये कट हो जाएगा अपने आप, है ना। तो इस तरीके से जवाब जो है वो आप इजीली एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो, अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन है तो। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। ये भी यहाँ पर जो ये भी क्वेश्चन है ये भी टफ कैटेगरी में मैं यहाँ पर डालूंगा, क्योंकि ये अगर आपने करंट अफेयर्स सही तरीके से फॉलो किए हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हो। यहाँ पर देखिए एंशियंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पूछा गया, लेकिन कम्प्लीटली ये अगर आपने करंट अफेयर फॉलो किए तो उसमें एडिटोरियल्स देखने को मिले हैं, जो मैंने खुद यहाँ पर कवर किए थे अपने इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, जो मिटक शारा है ये सिविल लॉ है अपर कास्ट के लिए, और जो दया भागा है ये सिविल लॉ है लोअर कास्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। जो यहाँ पर मिटक शारा है सिस्टम है, यहाँ पर सन जो है वो क्लेम कर सकते हैं राइट टू प्रॉपर्टी लाइफ टाइम ऑफ फादर, जहाँ पर दयाभागा सिस्टम जो है वो सिर्फ डेथ के बाद यहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर सन जो है वो क्लेम कर सकता है राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब डेथ के बाद। और देन उसके बाद तीसरा है, यहाँ पर जो मितक्षरा सिस्टम है ये डील करता है मैटर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जो यहाँ पर मेल मेंबर के द्वारा हेल्ड की गई है ओनली ऑफ फैमिली, जहाँ पर दयाभागा जो है ये डील करता है मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर जो हेल्ड कर रहे हैं। अब देखिए, सीधी सीधी बात है कि पहले के टाइम पर यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के तरफ से हो, ये हमें कुछ बात हजम नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर सीधे तरीके से हम यहाँ पर ये जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो ये और ये हम सीधा एलिमिनेट कर देंगे। अब सवाल यहाँ पर आता है फर्स्ट स्टेटमेंट का। अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये जो है मिटक्षरा ये अपर कास्ट के लिए, दयाभागा लोअर कास्ट के लिए, ऐसा नहीं है। ये जो है ये दयाभागा ये सबसेट है,
मिताक्षरा अगर आप देखोगे तो ये सिविल लॉ है पूरे इंडिया के लिए, लेकिन वहां पर जो बंगाल है और आसाम है वो यहाँ पर कट किए जाते हैं। वही दया भागा अगर आप देखोगे तो सबसेट है उसका जहां पर लागू होता है बंगाल आसाम ये रीजन के लिए। तो इसीलिए ये अगर आप देखोगे तो बेसिकली गलत हो जाता है, और ये जो सेकंड ऑप्शन है सही है, इसका जवाब हमें बी देखने को मिलता है। अब ये करंट इश्यूज में कहां पर आया था, तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो इंडियन एक्सप्रेस है, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस का है ना कुछ द हिंदू एडिटोरियल्स भी जो इम्पोर्ट होते हैं वो सभी मैं हमारे रोज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करता ही, उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि SC सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था हिंदू वुमेन इनहेरिटेंस राइट, तो उसमें वो अगर आप देखोगे तो उसी का आगे में यहाँ पर 2005 का लॉ भी दिया गया है, जहाँ पर यहाँ पर मिताक्षरा स्कूल जो है ऑफ हिंदू लॉ इसके बारे में यहाँ पर जानकारी जो है वो दी गई है। तो इस तरीके से आप उसका जवाब जो है वो दे सकते थे, लेकिन स्टिल यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन है इसको टफ कैटेगरी में ही डालूंगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड यहाँ पर सेंटेंसेस जो है वो दिए गए थे। तो अगर हम तीन क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री के देखते हैं तो एक काफ़ी आसान था और दो जो थे वो यहाँ पर थोड़े टफ कैटेगरी में थे, लेकिन अगर आपने मेरे लेक्चर्स फॉलो किए हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ एंशियंट हिस्ट्री MM अकेडमी के लेक्चर्स अगर आपने फॉलो किए हैं तो आप इजीली इसके जवाब जो है वो दे सकते थे। चलिए आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। अब मॉडर्न हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है 8 अगस्त 1942 इंडियन हिस्ट्री में कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, मतलब क्या ऐसी अद्भुत घटना घड़ी थी 8 अगस्त 1942 को। देखिए सीधा सीधा यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे MM अकेडमी के लेक्चर्स है उसमें 8 अगस्त 1942 क्या हुआ था भाई साहब, AICC यहाँ पर जो ग्वालियर टैंक बॉम्बे में क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को क्विट इंडिया स्लोगन जो यहाँ पर यूसुफ के द्वारा दिया गया था, यहाँ पर क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को रेटिफाई किया जाता है, वर्धा रिजोल्यूशन भी कहा जाता है, इसमें इमीडिएट ब्रिटिश रूल खत्म करो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, डू एंड डाई ये भी हमें देखने को मिला, मतलब क्या है सीधा सीधा जवाब है क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया AICC। अब देखिए यहाँ पर ये भी जो चीज़ है कहाँ से मैंने एक्सप्लेन की है, किताब रेफरेंस जो किताब है वहीं से एक्सप्लेन की भी है, लेकिन फ़ायदा क्या है, किताब में सेंटेंस दिया हुआ है कि 8 अगस्त 1942 ये जो है AICC यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है एक्सेप्ट कर दिया जाता है, मगर जब हम यहाँ पर वीडियो देखते हैं तो उसमें हाईलाइट होती है सारी, यहाँ पर देखिए हाईलाइट, ये जब आप PDF रिवाइज करोगे तो कितना ईजी जाएगा आपको समझने में, कितना ईजी जाएगा आपको याद रखने में, आप खुद सोचिए। तो यहाँ पर जवाब जो है वो हमें ए देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनल इंडिया शाह नवाज खान प्रेम कुमार सहगल और जो गुरबख्श सिंह ढिल्लों हैं इनको किस इससे रिमेंबर किया जाता है। अगेन स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर कोट करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर्स का, मॉडर्न हिस्ट्री जो MM अकेडमी पर हमारे लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, इसमें INA ट्रायल जब मैंने आपको बताया था तीनों के यहाँ पर नाम लिए थे, इनफैक्ट तस्वीर जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है एंड तीनों के नाम है, आप देख सकते हो तीनों के नाम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सीधे सीधे आप इसका जवाब दे सकते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है उससे ये कनेक्टेड है ना, बाकी जो है वो तो निकलते ही नहीं है, सीधे आप एलिमिनेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर कम केम टू बी नोन एज बैथून फीमेल स्कूल। अब देखिए अगेन MM अकेडमी जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट है वो मैं कोट करता हूँ, जब मैंने आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताया था उस टाइम पे यहाँ पर सीधा सेंटेंस दिया गया है कि सेक्रेटरी थे बैथून स्कूल स्टैब्लिश की गई थी 1849 में, वही यहाँ पर बोला गया है सेक्रेटरी ऑफ बैथून फीमेल स्कूल, तो यहाँ पर जवाब क्या रहेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए कितना इजी होता है जब हम लेक्चर से पढ़ते हैं, क्योंकि PDF आपको जब मिलती है तो PDF आप रिवाइज करते हो तो फटाफट रिवाइज हो जाता है, फटाफट रिवीजन हो जाता है, सीधा उसमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है फ्रांसिस जेवियर के बारे में। जेवियर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो किताबें हैं इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर थे ऑफ जीस्ट ऑर्डर, जेवियर जो है उनका उनकी डेथ गोवा में हुई थी एंड चर्च जो है वो डेडिकेट किया गया है उनके लिए एंड यहाँ पर जो जेवियर है सेलिब्रेट किए जाते हैं गोवा में हर साल। तो अब यहाँ पर देखिए MM अकेडमी का अगर मैं स्क्रीनशॉट लूँ तो उसमें मैंने जेवियर जो है उनके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी थी कि फेमस सन थे और इंडिया में आए थे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। अब ये अगर आपको पता है क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए आए थे तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको आप सीधा सही बोल सकते हो कि भाई मेंबर थे आप जस्ट ऑर्डर के, कि भाई क्रिश्चियनिटी मिशनरी है ना जो स्प्रेड करने के लिए आए हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अब बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में मैंने अपने लेक्चर्स में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं पार्शली यहाँ पर बोलूँगा कि हाँ आप पार्शली इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर कोट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर क्लेम नहीं करूँगा कि मैं यहाँ पर MM अकेडमी से आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भली पार्शली आया स्टिल मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लेम नहीं करूँगा। जो यहाँ पर जेवियर जो उनकी डेथ गोवा में हुई थी ऐसा यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर जो डेथ है वो इनकी गोवा में नहीं हुई थी, वो हुई थी चाइना में,
लेकिन उन्होंने ये बोला था कि अगर मेरी डेथ भले ही चाइना में हुई हो, कहीं पर भी हुई हो, लेकिन स्टिल मुझे गोवा में गाड़ा जाए, ये यहाँ पर उनके द्वारा, इसलिए फिर उनकी जो बॉडी है वो गोवा में लाई गई और यहाँ पर चर्च देखने को मिलता है। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर गलत है। अब ये इसको मैं टफ कैटेगरी में इसलिए डालूंगा क्योंकि ये पता रखना कि उनकी डेथ हुई कहाँ पर थी, ये काफ़ी टफ हो जाता है, याद रखना भी और पढ़ना भी उस बारे में। देन यहाँ पर जो जेवियर है सेलिब्रेट किया जाता है गोवा में हर साल, तो ये यहाँ पर सही है। तो इसका जवाब जो है हमें सी 1 और 3 देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। अगेन यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म 1919। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे एक्ट्स है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए हैं वो हमें पॉलिटी में भी देखने को मिलता है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमने सारे एक्ट्स कवर किए हैं, इंक्लूडिंग वो भी एक्ट जो लक्ष्मीकांत में कवर नहीं हुए हैं, एंड इवन जो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स है जो स्पेक्ट्रम है वो भी कवर नहीं करता है, वो भी एक्ट्स हमने कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म अगर हम देखते हैं 1919 का, उसे रिकमेंड किया वोटिंग राइट्स वुमेन को अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ बेटा एक्ट 1935, दो एक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इन्होंने वुमेन को रिजर्व सीट दी थी लेजिस्लेचर में। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये बताया पूछा गया है। अब पहला आप देखिए कि 21 ईयर्स ऑफ एज उनको यहाँ पर वोटिंग राइट्स दे दी जाए, तो मतलब ये समझ लो कि एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो ही यहाँ पर दे दी गई, ऐसा हो जाएगा। और वो हमें पता है कि भाई साहब ये यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कितने साल तक सिर्फ 10% जो है यहाँ पर अडल्ट सफरेज में उन्होंने लेकर आए थे लोगों को, 10% लोग वोट कर पा रहे थे। तो यहाँ पर 21 साल की एज की ऊपर की उम्र के लेडीज़ को यहाँ पर दे देना, हालांकि सरोजिनी नायडू जो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये जो चीज़ है वो नहीं ग्रांट की गई थी। दूसरा अगर हम देखते हैं रिजर्व सीट्स के बारे में, इसके लिए भी सरोजिनी नायडू जो है काफ़ी उन्होंने मशक्कत की, और इसमें अगर आप देखोगे 1935 एक्ट जो मैंने कवर किया था, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब बेसिकली लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो डिप्रेस क्लासेस वुमेन एंड लेबर सीधा सीधा यहाँ पर बताया गया है, सीधा सीधा बताया गया है। तो मतलब क्या है यहाँ पर, ये दूसरा सही हो जाता है। इसका जवाब जो है हमें B2 ओनली देखने को मिलता है, सीधा सीधा, अब इसको तो क्लेम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर निजामत ऑफ एयरकॉट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, जो निजामत ऑफ एयरकॉट है वो इमर्ज हुआ आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। दूसरा है मैसूर किंगडम जो है इमर्ज हुआ है आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, एंड रोहिलखंड किंगडम जो है फॉर्म हुआ आउट ऑफ टेरिटरीज जो अहमद शाह दुरानी के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया था। अब यहाँ पर जो मैसूर है उसके यहाँ पर लेक्चर्स का मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। यहाँ पर विजयनगर एम्पायर मैंने आपको बताया था, ये जो विजयनगर एम्पायर है देन यही यहाँ पर कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ पर क्या निकलता है मैसूर हमें देखने को मिलता है, मतलब मैसूर किंगडम इमर्ज हुआ था आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ना। अब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सीधा सीधा आप यहाँ पर जो ये है ये यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। देन उसके बाद निजामत ऑफ एयरकॉट अगर आप देखोगे इमर्ज हुआ हैदराबाद स्टेट से। अब ये अगर आप देखोगे तो ये किसी भी किताब में, मतलब आप स्पेक्ट्रम भी देखोगे अगर या बिपिन चंद्र भी देखोगे, यहाँ पर इस तरीके से कोट नहीं किया गया एयरकॉट। हाँ, लेकिन लेटर अगर हम देखते हैं कहाँ पर, तो बिपिन चंद्र अगर हम किताब देखते हैं तो उसमें नेक्स्ट चैप्टर्स में यहाँ पर जो कार्नेटिक है वो करके यहाँ पर कोट किया गया, कार्नेटिक कैपिटल ऑफ कार्नेटिक। तो इसलिए यहाँ पर जब हम कार्नेटिक वॉर्स देखते हैं उसमें भी यहाँ पर हमें निजामत ऑफ एयरकॉट जो है वो देखने को मिलता है इमर्ज जो हैदराबाद स्टेट में, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। और 1 और 2 अगर सही है तो बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ए जो है इसका सही जवाब देखने को मिलता है। तो काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पर अलग अलग जो वीडियो लेक्चर्स है उसके थ्रू आपको इसका जवाब जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था, लेकिन कैसे लॉजिकली आप इसका जवाब दे सकते हो वो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लॉजिकली कैसे दे सकते हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर जो मंडन पाले हैं आंध्र प्रदेश का उसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही बोला गया है। अब ये जो है, अब कौन इनके ये एक गाँव के बारे में पढ़ेगा आंध्र प्रदेश के, मुझे बताइए। अगर कोई उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, बिहार से बिलोंग करता है, वो क्यों इसके बारे में पढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कैसे ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिकी स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसको रिजॉल्व आप कर सकते हो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर जो पिंगाली वेंकैया है, डिज़ाइन किया उन्होंने ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग का यहाँ पर। अब यहाँ पर पढ़ने के बाद 90% एस्पिरेंट जो है
क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर जिन्होंने भी प्रिपरेशन की है उसमें से 90% एस्पिरेंट जो है उन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ, मतलब मन से तो ऐसा लगता है कि 98% एस्पिरेंट जो है उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन उनको नहीं होगी या पढ़ा नहीं होगा, लेकिन स्टिल यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि 90% एस्पिरेंट को ये पहला ऑप्शन जो है वो सही लग रहा होगा। लेकिन हम दूसरे इस पर जाते हैं, पट्टाभि सीतारमैया, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लीड किया था आंध्र रीजन से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लीड किया था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो उन्होंने नेशनल एंथम ट्रांसलेट किया बंगाली से इंग्लिश यहाँ पर, देन यहाँ पर ये जो है ये सबको एकदम ही कम लग रहा होगा, 90% एस्पिरेंट को लग रहा हो ये तो है ही नहीं, इसको हम इलिमिनेट कर देते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ क्यों ऐसे करेंगे। खैर यहाँ पर जो ऑलकॉट है उन्होंने हेडक्वार्टर सेट किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहली बार यहाँ पर। अब देखिए अगर आपने एमएम एकेडमी के लेक्चर्स देखे हैं तो कैसे आप दो ऑप्शंस तो एटलीस्ट इलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जब बताया था, स्क्रीनशॉट्स है एमएम एकेडमी लेक्चर्स के, तो जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखा था यहाँ पर सीधे नाम आ रहे हैं, और ये जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शिफ्टेड हेडक्वार्टर अडियार है ना, आउटस्कर्ट ऑफ मद्रास, तो जब यहाँ पर अडियार में है तो भाई आंध्र प्रदेश यहाँ पर क्यों आएगा, तो इससे डी ऑप्शन तो आप सीधा इलिमिनेट कर सकते हो लेक्चर देखकर। अब बात करते हैं पहले दूसरे ऑप्शन की, सीतारमैया ने क्विट इंडिया मूवमेंट लीड की थी यहाँ से। अब हमने जब क्विट इंडिया मूवमेंट देखा तो वहाँ का जो स्क्रीनशॉट जब मैंने यहाँ पर लगाया हूँ तो आपको देखने को मिलेगा मूवमेंट जो है वो लीडरलेस थी, तो भाई साहब कहाँ से यहाँ पर लीडर आएंगे, तो ये भी ऑप्शन जो है वो आप इलिमिनेट कर सकते हो। अब बचेंगे दो ऑप्शन, आप सीधा सीधा बोलोगे कि यार ये जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका जवाब रहेगा, क्योंकि क्यों यहाँ पर नाम भी साउथ का देखने को मिल रहा है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका जवाब जो है वो क्या है, वो है ए। लेकिन यहाँ पर लगता है प्रोलॉजिक। प्रोलॉजिक ये है कि अगर ये इतना ही इजी होता, क्योंकि दो ऑप्शन तो मोस्टली एस्पिरेंट इलिमिनेट कर ही लेंगे यूपीएससी वालों को पता है, अब अगर इतना ही ये जवाब इजी होता तो फिर यहाँ पर क्यों ये डालते, है ना। क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि कुछ यहाँ पर अलग होगा, इसलिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो इसका सही जवाब है, ऐसा यहाँ पर प्रोलॉजिक के तहत लगा सकते हो, प्रोलॉजिक यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना। सिंपल एक होता है किड्स का लॉजिक, है ना, जो पहली ऑप्शन में इसको सही कर देंगे, बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं। देन होता है मेन वाला, कि भाई यहाँ पर ऑप्शन दो जो है वो सही तरीके से इलिमिनेट कर लेंगे प्रो एस्पिरेंट्स, एंड यहाँ पर उनमें से कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो कर देंगे नाम देखकर। अब आता है प्रोलॉजिक, ये सोचना कि यार यूपीएससी ऐसा क्यों कर सकता है, यूपीएससी अगर डाल रहा है तो कोई ऐसा तो ईजी होगा नहीं, तो यहाँ पर जवाब जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। तो अगर आपको जवाब इसका नहीं भी पता है, स्टिल यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसका जवाब जो है वो दे सकते हो, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये किससे एसोसिएटेड है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन ये लिरिक्स यहाँ पर बनाए गए। अब देखिए यहाँ पर ना ही मेरे कोई वीडियो लेक्चर में ये चीज़ कवर हुई है, ना ही कोई किताब में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, इसलिए अब ये क्वेश्चन अगर क्रेडिट जो है वो देना हो तो यहाँ पर क्रेडिट कौन लेगा, तो अब यहाँ पर मोदी जी जो है वही क्रेडिट लेंगे और उन्हीं को क्रेडिट हम लेने देंगे। खैर तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन की, तो इसमें आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, क्योंकि अगर आप देखोगे लॉजिकली भी देखोगे तो कौन कौन यहाँ पर जेल गया है, तो ऑलमोस्ट सभी हमें जेल गए हुए देखने को मिलते हैं। राइटर कौन है, अगर लिरिक्स लिखे हैं तो राइटर कौन है, तो सभी ने यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखाण जो है वो तो किया हुआ ही है, तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, जवाब जो है वो है मोहनदास करमचंद गांधी, कोई लॉजिक नहीं लग सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, यहाँ पर फैक्ट्री जो है इंग्लिश इंडिया कंपनी के द्वारा लोकेट की गई, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो हमें जो वेरियस जो ये है ब्रिटिशर्स के द्वारा, देखिए क्या है, जहांगीर जो है उसके द्वारा यहाँ पर परमिशंस वगैरह दी गई थी ब्रिटिशर्स को आने की, तो यहाँ पर जवाब अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये बिल्कुल नहीं, इसका ब्रोच ये जो है जवाब इसका हमें देखने को मिलता है ए, ठीक है, जो हमने हमारे इसमें जब ब्रिटिशर्स आए थे तो कहाँ कहाँ पर अपनी कंपनियाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, उसमें ये चीज़ हमने कवर की हुई है। तो इस तरीके से हमें जो क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, एंशंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में ही जो क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने को मिले हैं। और अप्रोच जो हमारा किस तरीके का रहना चाहिए, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई है वो अब यूपीएससी को पता है कि सब एस्पिरेंट्स को याद है, मुँह ज़बानी याद है, तो इसलिए अब वो थोड़ा डीप में घुस रहे हैं, थोड़ा डिटेलिंग में घुस रहे हैं, नाम में स्पेसिफिकली नामों में जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर पर्टिकुलर समझ लीजिए अगर बॉयकॉट है, स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट में कौन कौन ने भाग लिया था और किस किस ने भाग नहीं लिया था, ऐसे क्वेश्चन जो है अब ज़्यादा यहाँ पर यूपीएससी पूछेगा,
ज़्यादा यहाँ पर उसके द्वारा पूछे जाएंगे, ऐसा मुझे अब लग रहा है। तो इसलिए अब ज़्यादा स्पेसिफिक पढ़ाई रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ओवरव्यू नहीं रहना चाहिए कि हाँ यार 1905 जो है उसमें स्वदेशी मूवमेंट बोल दो, देन उसके बाद 1907 में स्प्लिट हो गया, देन 1911 में दिल्ली मतलब जो कैपिटल है दिल्ली शिफ्ट हो गई, देन उसके बाद 1914 से होम रूल लीग बोलो, फिर गांधी जी जो है वो आ गए, फिर उसके बाद जो है वो हमारा ये शुरू हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, देन उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है 20 के आसपास। तो ये जो है ये अब कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर क्रोनोलॉजी तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अब वहाँ पर लीडर्स कौन थे, क्या रीज़न थे उन लीडर्स का जो नहीं थे, उनका क्या रीजंस थे कि वो नहीं थे, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर हमें डिटेल में पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको MM Academy के थ्रू श्योरली यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और जो कोर्सेस हैं उनको एंजॉय ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।